क्योंकि हमारा बिजनेस अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण, कोई ना कोई एक बहाना हम बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं, बड़ी आसानी से। और उसके बाद जब हम प्रोग्राम्स में आते हैं, फैमिली रियूनियन में आते हैं, गो ग्राउंड में आएंगे, हल्ला बोल में आएंगे, और जब सक्सेसफुल लोगों को आके स्टेज पे देखते हैं, तो उसके लिए भी एक बहाना हमारे पास आ जाता है कि अच्छा ये आदमी तो इसीलिए सफल हुआ है क्योंकि इसके पास ये है। अब वो क्या है वो आप अपने अपने बहाने फिट कर लीजिए वहां पर। इसकी अपलाइन इसके साथ इसी के शहर में रहती है, शायद ये इसलिए सक्सेसफुल हो गया। इसका ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, इसके पास पैसा है, इसलिए ये खर्च कर सकता है, शहर से बाहर जा सकता है, लोगों से मिल सकता है, एक कप चाय पे लोगों को बुला लेता है, पैसे की कमी नहीं पड़ती इसके पास, इसलिए ये सक्सेसफुल हो गया। इसके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है ना, इसलिए सक्सेसफुल हो गया। मैं तो नया हूं, मेरे को तो अभी साल भर हुआ है, 2 साल हुए, 3 साल हुए, मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकता हूं। ये आदमी शायद पहले से बहुत लंबी लिस्ट लेके बैठा होगा, इसलिए इसके बाद लोगों की कमी नहीं होगी। मैं तो बच्चा हूं, 22 साल, 23 साल, 24 साल या 20 साल, 18 साल, मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसने इसीलिए कर लिया। ये पता है कैसा है, जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो रिजल्ट का दिन होता था ना, जब रिजल्ट आता था और हमारे पास ग्रेड देखते थे हम, अपने परसेंटेज देखते थे, मेरे किसी के 50 आए, किसी के 55, किसी के 65, किसी के 60, और हम घर आते थे और पापा मम्मी पूछते थे बताओ रिजल्ट क्या आया, तो हम बोलते थे कि मेरे 65% आए। अच्छा 65% आए, क्लास में और किस किस के कितने आए हैं? कि पापा पता नहीं, पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं वो एक है, वो ना बहुत पढ़ाकू है और उसके पापा भी ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो उसको पढ़ा देते हैं इसलिए उसके 90 आए हैं। ये क्या चल रहा है? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ बहाने, क्योंकि मेरे 90 इसलिए नहीं आए क्योंकि उसके पापा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो उसको फलाना फलाना ट्यूशन भेजते हैं ना, वो इसलिए, वो बहुत पढ़ाकू है, वो दिन भर पढ़ता ही रहता है, खेलता नहीं है, इसलिए उसके आगे। और कभी कभार जो खेल में भी अच्छा है वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे नंबर ले आता है, तो फिर हम कोई तीसरा बहाना ढूंढते हैं कि यार अब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी चीज पे तो ब्लेम डालना पड़ेगा, और वो ब्लेम हम डाल देते हैं, खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं और साल भर साल हमारे उतने ही नंबर आते रहते हैं जितने हमारे पहले आए हुए होते हैं। हम वो इसलिए एवरेज स्टूडेंट एवरेज रह जाता है, गुड स्टूडेंट गुड हो जाता है, पर कोई एक लड़का निकलता है पूरी क्लास में से 40-50 बच्चों में से जो अपना रिजल्ट कंसिस्टेंटली इंप्रूव करता रहता है, दूसरों से सीखता रहता है और वो टॉप कर जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई 7th स्टैंडर्ड में जिसके 65% आए, हो सकता है 9th स्टैंडर्ड में उसके 85% आ गए, क्योंकि उसने अपने आप को इंप्रूव किए, बहाने नहीं मारे। पर हम अगर इस बिजनेस में भी इसी तरीके से जो सक्सेसफुल हो रहे हैं लोग, उनकी सक्सेस को देखकर कुछ बहाने अपने दिल में फिट कर लेंगे, तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हम कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे।